good morning all of you. so today we are starting with the role of small business in rural area. we have already discussed how small scale industry is important for the development of our economy. it contributes to the exports, it contributes to the total gdp, it contributes to the employment generation, it makes use of local resources, it has locational flexibility, it provides ample opportunities for entrepreneurship development so to conclude small scale industry is really important for the development of labor surplus developing economy like india okay. so now let's see because um, majority of the population in india lives in rural areas so rural india may अगर हम रूरल एरियाज की बात करें यानी विलेजेस वगैरह की बात करें तो उसमें स्मॉल बिजनेस कितना इंपॉर्टेंट है वट रोल डाज स्मॉल बिजनेस प्ले इन रूरल एरिया सो जनरली बेटे ट्रेडिशनली जो रूरल हाउस होल्ड हैं डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया की ही बात करें तो मैं आपको बोलूँ इमेजिन करो बेटे रूरल एरिया इमेजिन करो आप किसी गांव में गए हो है ना तो मेन ऑक्यूपेशन आप कंस देखो इमेजिन करो आप क्या इमेजिन करोगे agriculture okay so but now there is an increasing evidence that the rural households they can have highly varied and multiple sources of income and that rural households can also uh, do and participate in wide range of non agricultural activities okay so not only farming and agriculture is the important occupation for them increasing number of people are being engaged in non agricultural activities so this we can attribute to the uh, efforts taken by the government of india policies pursued by the government of india uh, which policy uh, that government has been you know encouraging promoting setting up of agro based rural industries what are agro based rural industries Which makes its raw material from agriculture. ठीक है? Give any example. Agro processing industry. Okay. What else? बेटे जितनी भी food processing industry है ना, वो agro based है. Food processing में क्या आता है? Uh, jam खाते हैं हम. Sauce consume करते हैं. Frozen food consume करते हैं. ठीक है जूस पीते हैं ये सब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स हैं ठीक है जैम मेकिंग इंडस्ट्री सॉस मेकिंग इंडस्ट्री देन सेड फ्रोजन ठीक है ये सब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं और एग्रो बेस्ड जिसमें फूड प्रोसेसिंग इज अ पार्ट ऑफ एग्रो बेस्ड ओके तो एग्रो बेस में शुगर इंडस्ट्री भी आ जाती है आपकी जिसमें शुगर केन एज अ रॉ मटीरियल यूज करके उसको फिर फर्दर प्रोसेस करके शुगर में कन्वर्ट कर दिया जाता है सो गवर्नमेंट हैज बीन इनकरेजिंग द डेवलपमेंट ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री इन द रूरल एरियाज उससे दो फायदे होते हैं एक तो रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है दूसरा आपको रॉ मटेरियल बहुत दूर तक नहीं लेके जाना पड़ता ठीक है जहां पे रॉ मटेरियल खेत कहाँ पे है रूरल एरिया में गांव में है वहीं से रॉ मटेरियल आ रहा है तो वहीं पे पास में करके उसकी इंडस्ट्री लगा दी तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी सेव हो जाती है ठीक है सो दीज पॉलिसी इनिशियव इनकारेजिंग प्रमोटिंग एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री इन द रूर एरिया हेल्पफुल इन पीपल बींग इंगेज इन नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज सो इंडिया के बेटे जो भी इंडस्ट्रियल स्ट्रेटेजी रही है स्पेशली आफ्टर सेकेंड फाइव ईयर प्लान उसमें विलेज और स्मॉल इंडस्ट्रीज के ऊपर एम्फोसिस हमेशा ही रहा है मतलब हमारी इकोनॉमी ऐसी है हमारे पास कैपिटल इतनी ज्यादा तो थे नहीं कि हम हमेशा लार्ज इंडस्ट्री के ऊपर ही फोकस कर पाए सो so, चाहे हमने लार्ज इंडस्ट्री सेटअप की हैवी बेसिक गुड्स इंडस्ट्री सेटअप की लेकिन स्मॉल स्केल को हमेशा ही गवर्नमेंट ने एम्फोसाइज किया है क्योंकि पता है हमें हमारी इकोनॉमी लेबर सरप्लस है हमारे पास लेबर बहुत ज्यादा है अगर हम कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री सेटअप कर देंगे तो लेबर कहाँ एब्सॉर्व हो पाएगी हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी ठीक है सो हैज बीन ऑन डेवलपमेंट ऑफ विलेज कॉटेज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एज दे आर प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द रूरल एरियाज स्पेशली फॉर द ट्रेडिशनल आर्टिजन एंड वीकर सेक्शन ऑफ दोसाइटी ठीक है सो दे आर द सिग्निफिकेंट जो विलेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं दे आर दिग्निफिकेंट प्रोड्यूसर्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स जो कंज्यूमर गुड्स हम कंज्यूम करते हैं वो कहां पे ज्यादातर प्रोड्यूस होते हैं वो इंडस्ट्रीज वो स्मॉल इंडस्ट्रीज विच इज एस्टेब्लिश इन द रूरल एरियाज दे ऑल्सो एब्सॉर्व सरप्लस लेबर हम देखते हैं ना कि एग्रीकल्चर में आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो एग्रीकल्चर में डिजगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वॉट इज डिस्ड अनएम्प्लॉयमेंट हाँ इज इट सो इन अदर वर्ड मोर देन रिक्वायर्ड पीपल आर एंगेज इन अ पर्टिकुलर एक्टिविटी सो वेन ही नोज ही इज डिजगाइली अनएम्प्लॉयड यानी मैं काम आप ले रही हूँ पचास बच्चों से और मुझे पता है ये मेरा काम पच्चीस से भी हो जाएगा सो वाई आई एम एंगेजिंग ऑल ऑफ यू 25 ऑफ यू आर डिस्गाइजली अनएम्प्लॉयड वाई इज इट सो क्योंकि मेरे को उनको देने के लिए और कोई काम नहीं है तो मुझे उनको बिजी रखना है इवन दो दे आर डिस्गाइजली अनएम्प्लॉयड दे आर नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू दी टू एनी बट दे आर वर्किंग यू नो है ना तो ऐसा अब इंडिया में भी ऐसा ही है अनएम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में तो हमें पता भी चल गया ट्वेंटी फाइव परसेंट लोग अनएम्प्लॉयड है फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे रीजन उनको देने के लिए काम नहीं है दैट इज देर इज अ लैक ऑफ ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज सो नाउ व्हेन वी आर फोकसिंग ऑन द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज दीज प्रोवाइड ऑल्टरनेटिव

दैट इज अनुअली डिस्ट्रीब्यूटेड दो को जमींदार होते हैं दो तीन जमींदार होते हैं हर गाँव में जिनके पास गाँव की मैक्सिमम लैंड उनके पास ही है ठीक है सेवेंटी फाइव परसेंट लैंड उनके पास है जो बाकी पच्चीस परसेंट को बच जाती है लैंड वो छोटे छोटे हजार दो हजार लोगों में डिस्ट्रीब्यूटेड है।, है ना अनईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गई जिस करके इनकम इनक्वालिटीज बहुत ज्यादा है इंडस्ट्रीज so in, uh, तो उनका इनकम लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है जिस करके इनकम इनइलिटीज दूर हो जाती है ठीक है सो इनफैक्ट प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड रूरल इंडस्ट्रियालाइजेशन हैज बीन कंसिडर्ड बाई दवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर रियलाइजिंग द ट्विन ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सलोरेटेड इंडस्ट्रियल ग्रोथ and creating additional productive employment potential in rural and backward areas to hamare ye jo twin objectives the ek ke hame jo industrial growth hai usko accelerate karna hai badhana hai theek hai accelerate samajh gaye to speed up industrial growth moreover we also have to provide एम्प्लयमेंट टू रूरल पीपल अब यह कंट्रास्टिंग से ऑब्जेक्टिव है कंट्रास्टिंग मीन्स अगर हम इसके ऊपर फोकस करेंगे ना तो ये नहीं अचीव हो पाएगा और अगर हम इसके ऊपर फोकस करेंगे तो ये नहीं अचीव हो पाएगा कैसे इंडस्ट्रियल ग्रोथ को एक्सलोरेट करना है तो जेनरली आपका फोकस होता है लार्ज इंडस्ट्री की डेवलपमेंट के ऊपर बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री लगाओ है ना उसी से इंडस्ट्रियल ग्रोथ एक्सलरेट होगी स्पीड अप होगी जब आप बड़ी इंडस्ट्री लगाओगे वो कैपिटल इंटेंसिव होगी तो वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट नहीं कर पाएगी मतलब अर्बन में भी नहीं कर पाएगी रूरल में तो दूर की बात है बट स्मॉल स्केल सेक्टर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे ये ट्विन ऑब्जेक्टिव जो है गवर्नमेंट के अचीव होते हैं

Along with that, employment opportunities are also being provided. So, it's an instrument which helps us to achieve the twin objective of accelerating industrial growth and creating additional productive employment potential in rural and backward areas. बट दे बेटे दीज इंडस्ट्रीज अब ये थेटिकली बड़ा अच्छा लग रहा है ठीक है फिर स्मॉल इंडस्ट्री खोलो तो और क्या चाहिए आपका इंडस्ट्री भी ग्रो हो रही है इंप्लॉयमेंट भी मिल रही है पॉवर्टी भी दूर होगी इनकम इन भी दूर होगी फोकस करो इसी के ऊपर सारी सोल्यूशन इसमें दिख रही है नो डाउट दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अर्बन एज वेल एज इन रूरल इंडिया बट इट फेसेस सर्टन प्रॉब्लम्स स्मॉल स्केल सेक्टर को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है सो लेट एस डिस्कस दॉब्लम्स विच आर बीन फेस्ड बाई दंबर वन फाइनेंस इंडिया में कोई भी चीज कर लो बेटे सबसे पहली प्रॉब्लम फाइनेंस की यानी है. है ना पैसे की कमी अब बी नो मैनी इंडस्ट्रीज दे आर रेजिंग देअर आईपीओस बताया था मैंने पहले भी वॉट इज एन आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर छोटे बच्चे थोड़ी ना हो इनिशियल पब्लिक बोलो आराम से बोलो हाँ बड़ों की तरह बोलो इट्स इनिशियल पब्लिक ऑफर वेन अ प्राइवेट कंपनी गोज पब्लिक इट रेजेस फंड फ्रॉम द पब्लिक इट इश्यूज शेयर टू द पब्लिक एंड वेन पब्लिक सब्सक्राइब्स टू द शेयर कंपनी गेट्स कैपिटल बट बेटे जो स्मॉल इंडस्ट्रीज होती हैं, उनमें इतनी क्रेडिट वर्दीनेस नहीं है है ना नई नई आपने सेटअप की इंडस्ट्री और अभी आपकी इतनी गुडविल बिल्डअप नहीं हुई है अब इतनी गुडविल बिल्डअप नहीं हुई है तो वो कैपिटल मार्केट से फंड्स रेज नहीं कर सकती कैपिटल मार्केट मतलब शेयर मार्केट जब एक कंपनी अपना नाम बना लेती है ना ना ऑनली नाइका रेज ओवर सब्सक्राइब हो रहे हैं अब मतलब पीपल आर शोइंग इंटरेस्ट कुछ सर्कमस्टांसिस भी ऐसे हैं लोगों के पास कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है पैसा बनाने का और कोई जरिया नहीं है तो वो शेयर मार्केट में लगा के पैसा बनाना चाहते हैं और यूथ भी थोड़ा अवेयर हो गया है सो प्लस टू करने के बाद ही ये फर्स्ट ईयर में बच्चों को शेयर मार्केट की काफी नॉलेज आ जाती है तो दे स्टार्ट इन्वेस्टिंग ठीक है दैट इज वन रीजन ओवर सब्सक्राइब हो रहा है लेकिन आप भी कल को अगर इन्वेस्ट करोगे तो आप एक अच्छी कंपनी देख के करोगे जोमेटो निकालेगा उसके में करोगे कोई और नई कंपनी आएगी उसके तो नहीं ना आप आईपीओ के लिए अप्लाई करोगे है ना तो मतलब ये है कि ये जो कंपनीज़ हैं, दे फेस दी प्रॉब्लम ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ़ एडिक्वेट फाइनेंस अपने ऑपरेशन को कैरी आउट करने के लिए इनके पास प्रॉपर फाइनेंस नहीं होता जो स्मॉल इंडस्ट्री होती है ना कम कैपिटल से शुरू होती है बताए हम सबको

So, उनको लोकल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है लोकल रिसोर्सेज मतलब मनी लेंडर्स जैसे अब फाइनेंसिंग हैं बहुत सारी जो उनको फाइनेंस दे देती है देन दे चार्ज सो समाइम्स दे बिकम विक्टिम्स देखो कैपिटल मार्केट से फंड रेज करने का एक बहुत बड़ा फायदा है यू डोंट हैी पेट आपको वो फंड्स वापस नहीं आपके पास आगे आप अपनी कंपनी को चलाते जाइए बाद में इनकी ट्रेडिंग होती रहनी है शेयर मार्केट में प्राइसेस कम बढ़ते जाने आपके पास कैपिटल आ गई आप उससे अपना बिजनेस एक्सपैंड करिए ठीक है लेकिन स्मॉल कंपनीज को लोकल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है तो दे बिकम सम्स दे बिकम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ठीक है सो so, इनके पास बेटे वर्किंग कैपिटल की भी कमी हो जाती है दे डू नॉट इवन हैव एडिक्वेट वर्किंग वर्किंग कैपिटल कैपिटल मतलब लेबर को वेजेस देनी है इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है है ना ऐसी चीजें तो और कई मैनी टाइम्स देयर कैपिटल रिमेन्स लॉक्ड इन अनयूज स्टॉक्स अनसोल्ड स्टॉक स्टॉक बना के रख लिया बिका नहीं तो आपकी कैपिटल उसमें अप है ना जब तक वो बिक के आपके पास फंड्स नहीं आएंगे वो सर्कल आपका नहीं घूमेगा ठीक है तो कई बार ऐसा होता है कि अनसोल्ड स्टॉक पड़ा रहता है या साइकिल ज्यादा टाइम ले लेता है ठीक है तो उस केस में आपके पास वर्किंग कैपिटल की कमी हो जाती है सो दे कैन ऑल्सो यस गो टू बैंक बिट इज स्ट्रेट दे कैन गो टू बैंक वुड बैंक उट कलेक्टर बैंक फर्स्टली सिक्योरिटी मांगेगा सो दीज कंपनी डू नॉट है अगर सिक्योरिटी है भी है एक बार सिक्योरिटी को यूज करके फंड ले लिए अगली बार फिर फंड की जरूरत पड़ी अब तो आपके पास नहीं है ना सिक्योरिटी वंस योर एसेट्स फिक्सड एसेट्स आर चार्ज विद समलरेडी ऑलरेडी द लोन विच यू अब टाइम लोन लेना है तो आपके पास कोई एसेट नहीं है ठीक है जिसको आप एज अ कोलेक्ट्रल रख के पैसे ले सकते हो सो दिस इज द मेजर प्रॉब्लम विच इज ऑफ फाइनेंस लेट्स टाइप ऑफ प्रॉब्लम विच इज द प्रॉब्लम ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटीरियल रॉ मटेरियल लेने में इनको क्या प्रॉब्लम आती है पहली बात बेटे इनकी रिक्वायरमेंट कम होती है रॉ मटेरियल की ठीक है तो इनकी बार्गेनिंग पावर भी वीक रहती है आपने कभी जनरली स्मॉल छोटी मोटी शॉपिंग हम करने जाते हैं फ्रूट्स लेने जाते हैं कभी आप पेरेंट्स के साथ गए होंगे तो मम्मा ने पूछा कैसे दिए मैंगोज कैसे है सिक्सटी रुपीज के जी आप बोलोगे मैंने फाइव के लेने तो इमिडिएटली कहता है चलो मैं 50, टी के जी पर के जी लगा लूंगा होता है जब आपको ज्यादा अमाउंट में लेनी है चीज तो आपकी बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग हो जाती है अब स्मॉल इंडस्ट्री के पास तो इतनी कैपिटल है नहीं है तो वो लमसम में रॉ मटेरियल लेके नहीं रख सकता वो सिर्फ उतना रॉ मटेरियल डिमांड करता है जिसमें उसका सर्कल चलता रहे है ना मशीन खाली ना रहे कई बार मशीन बंद भी करनी पड़ती है आपको रॉ मटेरियल नहीं मिल पाता आपके पास फंड्स नहीं है या आपको रॉ मटेरियल महंगा मिल रहा है ठीक है तो रॉ मटेरियल और मोस्टली जो लार्ज इंडस्ट्री होती है उनकी रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा होती है रॉ मटेरियल की और उनके पास फंड्स की तो कमी होती नहीं ठीक है तो वो लोग रॉ मटेरियल पहले प्रोक्योर कर लेते हैं अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल उनको चीप रेट्स पे मिल जाता है वेर आर स्मॉल इंडस्ट्रीज दे फेल टू गेट गुड क्वालिटी रॉ मटीरियल एट अप्रोप्रिएट प्राइसेस उनका रॉ मटीरियल क्वालिटी भी सफर कर जाती है और उनको ज्यादा प्राइस उनको उसके लिए देना पड़ जाता है ठीक है सो बल्क में वो खरीद के रख नहीं सकते हैं बता दिया मैंने क्योंकि एक तो उनकी परचेजिंग पावर ही नहीं है मोर ओवर थोड़ा रिस्क भी है अब जैसे एकदम से लॉकडाउन लग गया चलो ये तो एक्सेप्शनल सिचुएशन आ गई लेकिन स्मॉल इंडस्ट्रीज तो एकदम बंद हो गई थी है ना रॉ मटेरियल तो बड़ा बड़ा खराब हो जाएगा या गुड्स की डिमांड वेरी कर जाती है तो वो इतना और उनकी गुड्स की डिमांड नहीं होती है इतनी तो इसीलिए वो प्रोडक्शन स्मॉल स्केल पे करते हैं ठीक है इसीलिए वो बल्क में नहीं खरीद सकते ठीक है सो समटाइम्स वॉट हैपन्स प्रोडक्शन कैपेसिटी गोज टू वेस्ट ये भी मैंने बता दिया कि आपको कई बार मशीन बंद करनी पड़ती है या अपनी अंडर कैपेसिटी पे चलानी पड़ती है क्यों आपके पास रॉ मटेरियल की कमी है यू कैन रिलेट टू द आई अभी पीछे पावर कट्स लगे थे क्यों लगे थे कोल की शॉर्टेज थी कोल की शॉर्टेज का कारण एक ये था कि कोल के प्राइसेस बहुत हाई हो रहे थे क्योंकि चाइना बीइंग द बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ कोल चाइना को वर्ल्ड की फैक्ट्री बोला जाता है तो चाइना में मैक्सिमम प्रोडक्शन होती है तो कोल की डिमांड सबसे ज्यादा होती है तो चाइना वॉज प्रोक्योरिंग कोल इवन एट हाई प्राइसेस तो जब डिमांड बढ़ जाती है बेटे ओवरऑल प्राइसेस बढ़ जाते हैं है ना जब चाइना की डिमांड बढ़ गई कोल की ओवरऑल कोल के प्राइसेस बढ़ गए हम लोगों ने सोचा भी ये टेम्परेरी फेज है कोल के प्राइसेस डाउन होंगे तब हम लेके रखेंगे अभी हम इतना लेके डंप नहीं करेंगे दो कारण एक वी वेटिंग फॉर प्राइसेस टू फॉल दूसरा कह लो आपके पास इतनी है नहीं है पर पावर नहीं है कि आप इतना लेके रख सको वो भी महंगा बट दैट डिड डिड नॉट नॉट हैपन कोल कम डाउन ठीक है सो वी हैड टू ऑपरेट अवर दीज क्या पावर प्लांट्स इवन एट लो कैपेसिटी कोल कम था तो हम जो उसकी कैपेसिटी थी अगर वो सौ मेगावाट एक प्लांट की कैपेसिटी है हम उसको सिक्सटी मेगावाट जनरेट करने के लिए यूज कर रहे हैं हुआ है या नहीं है ना कम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई रीजन शॉर्टेज ऑफ रॉ मेटीरियल सो हमारी जो कैपेसिटी थी वो भी अंडर यूटिलाइज सो दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू रॉ मेटीरियल देन मैनेजीरियल स्किल्स स्मॉल बिजनेस इज जनली प्रमोटेड एंड ऑपरेटेड बाय सिंगल पर्सन हु नॉट पोजेस ऑल द मैनेजीरियल स्किल्स ये जो स्मॉल स्केल जो सोल प्रोप्राइटरशिप की लिमिटेशन थी स्मॉल बिजनेस जनरली रन बाय सोल प्रोप्राइटर्स तो आज के बेटे वो टाइम निकल गया जब हमारे फादर्स बिजनेस करते थे उस टाइम पे सोल प्रोप्राइटर भी यू you नो know, अपना फाइनेंस हैंडल कर लेता था टूअर्स पे चले जाते थे अपनी मार्केटिंग मैनेज कर लेते थे प्रोडक्शन मैनेज कर लेते थे लेकिन आज कंपटीशन बहुत ज्यादा है आपको हर फील्ड का स्पेशलिस्ट चाहिए ठीक है मार्केटिंग का आज जिस प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट नहीं आती है इन वन वे और दी अदर यानी कि टीवी पे ही एड आनी चाहिए मतलब जिस प्रोडक्ट की प्रमोशन नहीं होती है जनरली उसका कोई कंज्यूमर उसका मार्केट कम ही होती है।, है ना तो आज के कंपटीशन के जमाने में आपको बहुत ज्यादा मैनेजीरियल स्किल्स चाहिए लेकिन वो सिंगल पर्सन के पास नहीं होती क्योंकि स्मॉल बिजनेस इज जनरली रन बाय सिंगल पर्सन ठीक है सो मेनी ऑफ दी स्मॉल बिजनेस दे पोजेस साउंड टेक्निकल नॉलेज बट आर लेस सक्सेसफुल इन मार्केटिंग दी आउटपुट अब हमें देखो हमने देखा कितने लोगों ने अपनी कॉलेज ड्रॉप हैं हमारे जो फेसबुक का फाउंडर देख लो या एप्पल का फाउंडर देख लो दे आर टेक्निकली साउंड जिसने फेसबुक बनाई वो टेक्निकली साउंड है लेकिन वो मार्केटिंग आप सोचो कि मार्केटिंग भी वो कर लेगा ऐसा नहीं है ही विल हैव टू हायर अ स्पेशलिस्ट है ना आप देखते हो फेसबुक में नई से नई चीजें आ रही हैं आप यूज आप बोर होने लगते हो एक ऐप से वो आपको आपकी साइकोलॉजी को रीड कर लेता है दिस इज ऑल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यू नो समाइम्स सी आपने कोई चीज सर्च की फेसबुक पे आपको उसी से रिलेटेड फिर पेजेस आने लग जाते हैं होता है दिस इज ए आई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सो ये मार्केटिंग है बेटे फीड कंज्यूमर ही इज लुकिंग फॉर उसका टेस्ट डेवलप होता है एक चीज का वो यूज टू होता है वो बोर होने लग जाता है जैसे ही वो बोर होने लगता है आप उसके आगे नई चीज पेश कर देते हो इज एंट इट सो ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है अब एक सिंगल पर्सन में ये सारी स्किल्स नहीं हो सकती तो ये हो गई स्मॉल बिजनेस की डिफिकल्टी लेबर दे नॉट अफोर्ड टू पे हाई वेजेस टू देर एम्प्लॉज ठीक है जिससे एम्प्लॉ नो ही इज नॉट विलिंग टू वर्क हार्ड उसमें पोटेंशियल है वो तो भी काम नहीं करता वो कहता मेरी तो सैलरी दस सालों से उतनी की उतनी है मुझे क्या जरूरत पड़ी है फॉर्म के लिए काम करने इट हैपन्स ठीक है इट्स फाइनेंशियल इंसेंटिव इज यू नो एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है एम्प्लॉय से अच्छा काम लेने का तो इन फॉर्म्स में जो प्रोडक्टिविटी है पर लेबर वो लो रहती है ठीक है उसके यही कारण है और एम्प्लॉ की टर्नओवर भी हाई होती है टर्नओवर समझ गए एम्प्लॉय की छोड़ के जा चला जाता है स्टेबल नहीं रहता उसको जहां पे काम मिलता है अच्छी वेजेस से वो वहां पर चला जाता है ठीक है सो बिकॉज ऑफ लोअर लोअरेशन अट्रैक्टिंग टैलेंटेड पीपल इज अजर प्रॉब्लम इन स्मॉल बिजनेस तो अनस्किल्ड पीपल जनरली वो हायर कर लेते हैं फिर उनको ट्रेन करना पड़ता है वंस दे आर ट्रेन दे मे लीव दर्गेनाइजेशन सो डिविजन ऑफ लेबर भी नहीं हो पाती है यू नो वॉट इज डिविजन ऑफ लेबर वट इज डिवीजन ऑफ लेबर बेटे इट्स लाइक डिवाइडिंग दी प्रोडक्शन प्रोसेस इनटू डिफरेंट पार्ट्स जैसे अगर एक बुटीक खोला उसने एक टेलर रखा तो वो टेलर सारे काम वो खुद ही करेगा मेजरिंग कटिंग स्टिचिंग स्टिचिंगमिंग है ना वेर एस ये मतलब स्मॉल बिजनेस पे है तो डिविजन ऑफ लेबर नहीं है अगर उसने क्या किया दस मशीनें रख ली बीस वर्कर वर्कर रख लिये तो चार वर्कर जो है वो कटिंग में लगेंगे आठ वर्कर जो है वो स्टिचिंग में लगेंगे तीन वर्कर हेमिंग कर रहे हैं कुछ आयरनिंग कर रहे हैं तो प्रोडक्शन प्रोसेस डिवाइड हो जाता है अब जो का, जो का स्टिचिंग कर रहा है ना वो सारा दिन स्टिचिंग ही करेगा उससे उसकी प्रोडक्टिविटी उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है लेकिन स्मॉल स्केल में ऐसा पॉसिबल नहीं है सो डिवीजन ऑफ लेबर इज नॉट पॉसिबल ठीक है ओके टू थ्री टुमारो Anyone having any doubt, you can ask.